देखिए, ये सूचना प्राप्त होने के बाद कि सीबीआई द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद कल शाम को इनको SHO जो साइबर थे उनको निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा। आपकी अंशता टैग NBC24 के माध्यम से फिर आप सबके सामने आ चुकी है। बताना चाहूंगी एक और बड़ा मामला जिला यमुनानगर से हमारे सामने आ रहा है। बताना चाहूंगी अभी तक तो मामले बहुत से सुने थे, लेकिन अब साइबर थाने, जी हाँ, जिला यमुनानगर के साइबर थाने के इंचार्ज बलवंत सिंह जी को रिश्वत लेते हुए, जी हाँ, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जी बता दें कि वहां पर थाने में, फरकपुर थाने में जब सीबीआई इंचार्ज की पूरी टीम पहुंची तो मौके पर से ही जब सारे कागजात खंगाले गए तो वहां पर कागजात के साथ साथ 5 लाख रुपए बलवंत सिंह द्वारा जो है बरामद किए गए। और बताना चाहूंगी जैसे ही ये मामला सामने आया और तुरंत ही इसको SP के अंडर दे दिया, और जैसे ही SP के अंडर दे दिया उसी के साथ ही साथ बलवंत सिंह जी को जो है ड्यूटी से भी सस्पेंड कर दिया गया। आगे की देखरेख करते हुए DSP सर से हम बातचीत करेंगे। आप द्वारा भी कोई विभागीय कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये सूचना प्राप्त होने के बाद कि सीबीआई द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद कल शाम को इनको SHO जो साइबर थे उनको निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है माननीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा। देखिए, हमारे पास तो CBI के द्वारा सूचना दी गई कि CBI के द्वारा हमारा इंस्पेक्टर साइबर SHO साइबर थे तो उनको गिरफ्तार किया गया किसी करप्शन के मामले के अंदर। यह मामला हमारे सामने आया था। तो सर, इसमें और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, जो पुलिस को, यमुनानगर पुलिस को जो सूचना मिली थी उसमें यमुनानगर पुलिस का एक इंस्पेक्टर, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और कोई? यमुनानगर से तो यही इंस्पेक्टर ही, इंस्पेक्टर बलवंत को ही यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। तो इसके अलावा, हाँ जी, कितनी राशि की डिमांड की गई? देखिए, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार इनके द्वारा 5 लाख राशि इनके द्वारा प्राप्त की गई थी। तो सर, विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी, देखिए, जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई और उसको उसके अनुसार माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको निलंबित करके इंस्पेक्टर को और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट कर दिया गया है। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आगे कवरेज के लिए जुड़े रहिए।